नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैस्ट्रॉल फास्ट स्कैन एप्लीकेशन में हम यहाँ पर कार्ड स्कैन किस तरीके से कर सकते हैं और पेमेंट हमको किस तरीके से यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। आज के वीडियो में आपको कैस्ट्रॉल का जो कार्ड निकलता है उसको आपको स्कैन करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। किस तरीके से आपको स्कैन करना है सारी प्रोसेस मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऊपर जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रही फास्ट स्कैन एप्लीकेशन। यदि आपने इसको अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लेना, और यदि आप इसके पासवर्ड लॉगिन करना भूल गए हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया पासवर्ड रिकवर कैसे करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उस वीडियो को देख लेना और आप इसमें लॉगिन आसानी से हो जाएंगे। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अपडेट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो हम यहाँ पर जितनी बार भी एंटर होते हैं हमको कैप्चा फिल करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ यहाँ पे, ये लिखा है इस नंबर को, ये कैप्चा लिखा है, ये अंक लिखे हैं। इसको यहाँ पर फिल करने के बाद हम वैलिडेट कैप्चा पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हस्त प्रविष्ट मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो कूपन में अंक लिखे होते हैं वो संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको स्कैन करना है, कि मान सकते हैं आपका कैमरा खराब हो या किसी वजह से आपका कैमरा काम नहीं कर रहा हो, तो आप हस्त प्रविष्ट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंकों को टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से अंकों को इस तरह से टाइप कर सकते हैं, जो भी लिखा हो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा होता है, इनको आप डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है। लेकिन मैं आपको स्कैन करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए, नीचे नीचे बीच में स्कैन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पर हमारा कार्ड जो है स्कैन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें मिल चुके हैं यहाँ पर 10 रुपये, कूपन सफलतापूर्वक रिडीम कर लिया गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमने उसको रिडीम कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 10 रुपये स्कैन किए गए, ठीक है, और 10 रुपये हमारे बैंक में आ गए हैं, ठीक है। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन हम इसको दोबारा स्कैन करके देखते हैं, फिर देखिए आप बताता है क्या क्या बताता है। फिर देखिए आप, देखिए मैंने यहाँ पर स्कैन किया, देखिए अब क्या बताता है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कूपन पहले ही रिडीम कर लिया गया है, ठीक है, आप दोबारा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप लोग इस तरीके से यहाँ पर कार्ड को स्कैन कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं, मिनी रिपोर्ट देख सकते हैं आप, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी इसकी स्थिति यानी स्टेटस देख सकते हैं, प्रोसेसिंग लिखा है, ठीक है। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है, और यदि ये फेल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और प्रोसेसिंग में है तो वह आप प्रोसेसिंग में देख ही सकते हैं, ठीक है, ये प्रोसेसिंग में पड़ा है अभी। जब क्रेडिट हो जाएगा, हमारे बैंक में जमा हो जाएगा, तो यहाँ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी कोई डाटा नहीं है, जैसे ही इसमें आता है मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, 1-2 दिन या कुछ घंटे, उसके बाद दोबारा से वीडियो बना के दोबारा से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे अकाउंट में जो है कैस्ट्रॉल फास्ट स्कैन एप्लीकेशन की तरफ से 10 रुपये जो है जमा कर दिए गए हैं, क्योंकि मैंने 10 रुपये का कूपन को जो था उसको स्कैन किया था। तो मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 10 रुपये ऐड कर दिए गए हैं, जिसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। और साथ ही में मैंने आपको बताया कि कार्ड को कैसे स्कैन करते हैं, और इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि पेमेंट कैसे रिडीम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट जो होती है ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में जोड़ दी जाती है। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा जो बैंक अकाउंट होता है उसको देना पड़ती है, ठीक है। तो जब हम कार्ड को स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाती है, ठीक है। पेमेंट जो आती है वो आपकी समथिंग 8 से 10 घंटे बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। इससे कम समय भी लग सकता है और इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ऐसा कुछ हो, यदि आपकी पेमेंट ज़्यादा दिनों तक नहीं आती है, तो आप कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ मेरी जो है बैंक अकाउंट में पेमेंट आई है या नहीं। तो देखिए, मिनी रिपोर्ट में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रिपोर्ट आ रही थी कि मैंने जो कार्ड को स्कैन किया वो प्रोसेस, ठीक है। इसमें ये बता नहीं रहा है, लेकिन कई कई एप्लीकेशन बता देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहा है, क्योंकि तो ये लोड नहीं ले पा रही, लेकिन काम बढ़िया से कर रही है, ठीक है। मेरे जो पेमेंट है वो आ गया। तो चलिए, मैं SMS आया मेरे पास, वो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, मैं आ गया यहाँ पे SMS में, ये देखिए यहाँ पे देख रहा है आपको,
ये देखिए नीचे वाला, डियर कस्टमर योर अकाउंट, ये मेरा अकाउंट नंबर है, इस क्रेडिट बाय 10 रुपीज़, 5 अप्रैल 2021 को डाल दिया गया है, ठीक है। और मैंने ये वीडियो शूट किया था 4/4/2021 को शूट किया था, उसके बाद मैंने वीडियो को रोक दिया था, और फिर ये पेमेंट जो आई थी मेरी 5/4/2021 को आई थी, ठीक। और अभी मैं 6 तारीख को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और समथिंगली ये सुबह 7:45 मेरे अकाउंट में जमा कर दिए गए थे, ठीक है, इस नंबर से। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रूफ कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, प्रूफ देख लीजिए, कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और किसी ने नहीं, कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से मुझे ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यदि यहाँ पे रिपोर्ट नहीं दिखाता है तो भी आप अपने अकाउंट को चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अकाउंट में पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं और कार्ड को स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों यदि इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और यदि और भी समस्या आती है तो आप कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकें और सीख सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।